हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एमडीयू हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिस्टेंस से एडमिशन ले रखा है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर लिखना आता है, उसके बाद आपका कोर्स नेम दिया होता है, किस सेशन में आप एग्जाम दे रहे हो। मार्च में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट नेम, पेपर कोड, कितने नंबर का आपका पेपर होता है, देख सकते हैं 80 नंबर का। कितने घंटे का पेपर रहेगा, 3 घंटे का। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, देख सकते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, देख सकते हैं, लघु उत्तरात्मक प्रश्न आपको कोई भी 8 प्रश्न हल करने हैं। जो आपके छोटे क्वेश्चन रहेंगे, उत्पादन फलन से क्या अभिप्राय है, बजट रेखा से क्या अभिप्राय है, सीमांत प्रतिस्थापन दर की व्याख्या कीजिए, मांग की आय सापेक्षता लोच से आपका क्या अभिप्राय है, ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं पार्ट, समान प्रतिफल का नियम क्या है, अवसर लागत की व्याख्या कीजिए, शिथिर तथा परिवर्तनशील लागतों में अंतर बताइए, शुद्ध प्रतियोगिता की परिभाषा दीजिए, आपके क्वेश्चन रहेंगे। देख सकते हैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। बाजार की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, मांग की आड़ी लोच, ये आपके क्वेश्चन रहेंगे, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है। इसके बाद है सम उत्पाद चक्कर, एसी वक्र के यू आकार की व्याख्या कीजिए। इसके बाद जो आपके बड़े क्वेश्चन आप देखते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच की परिकल्पना को परिभाषित कीजिए तथा इसकी माप बताइए। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, तटस्थ वक्र विश्लेषण की सहायता से आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, आपका चौथा क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा, उपभोक्ता बजट सिद्धांत की आलोचना तक व्याख्या कीजिए, तटस्थ वक्रों की सहायता से उपभोक्ता की बजट को किस प्रकार मापेंगे, आपका पाँचवा क्वेश्चन है। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर छठा, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को योजना वक्र एवं लिफाफा वक्र क्यों कहा जाता है, वर्णन कीजिए, आपका छठा क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद जो आपका सातवां क्वेश्चन है, पैमाने की विभिन्न मितव्ययितियाओं व अमितव्ययितियाओं के स्रोतों की चर्चा कीजिए, आपका सातवां क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत एवं उत्पादन को कैसे निर्धारित किया जाता है, आठवां क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका नौवां क्वेश्चन रहेगा, साधन कीमत निर्धारण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, इसकी सीमाएं क्या हैं, ये आपका नौवां क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है दोस्तों, देख के जा सकते हैं कि आप इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप अन्य किसी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देना चाहते हैं, अन्य किसी कोर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एमडीयू हेल्प यूट्यूब पर सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, कई सारे सेक्शन हैं, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट के सामने क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। सबसे लास्ट में आपको एमडीयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इस प्लेलिस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, जितने भी आपके कोर्स है, सभी सब्जेक्ट और कोर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे बीएड वगैरह हो गए हैं, इसके बाद में बीए पास कोर्स के जो स्टूडेंट हैं सेकेंड सेमेस्टर के, उनके क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप सेकेंड ईयर के जो बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री का जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसका क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप सीधे इस प्रीवियस ईयर के प्लेलिस्ट पर आना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे ही आ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करके भी आ सकते हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, एमडीयू हेल्प के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट रहेगा। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है इसका क्वेश्चन पेपर आप इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एमडीयू हेल्प को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।